नवाब मलिक का मतदान प्रतिशत पड़ा औरों पर भारी। भाई के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी? अभी तक तो 15 साल से माहौल बहुत खराब हो चुका था, जिसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी आने वाले कल में भुगते। इसलिए हम लोग माहौल बदलना चाहते हैं, नवाब मलिक साहब को जिताना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला नवाब मलिक साहब अगर जीत जाते हैं तो वो माहौल बदल के ही रहेंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जीत गुट से चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। चुनाव के दौरान क्या कुछ कहा गोवंडी के जाकिर हुसैन नगर के लोगों ने? मानखुर्द शिवाजी नगर में के आज ये जाकिर हुसैन नगर का इलाका है, आज यहाँ वोटिंग चल रहा है, क्या कुछ स्थिति रहेगी? अस्सलाम वालेकुम। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा की तरफ से यहाँ की स्थिति तो ये चल रही है कि नवाब मलिक साहब भारी वोटों से जीत रहे और हमारी टीम जान तोड़ मेहनत कर रही है कि नवाब मलिक साहब एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी यहां से अभी जीतना ही चाहिए, क्योंकि नया चेहरा है और नए लोग हैं और जो भी हो रहा है। आज सुबह में एक थोड़ा सा घटना हुई है कि ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के रिक्शा में भरा जा रहा है और समाजवादी को वोट दो, समाजवादी को वोट दो करके धमकी दी जा रही है कि अगर हम जीत जाएंगे तो तुम लोगों को बाद में छोड़ेंगे नहीं, तुमसे बदला लेंगे। लेकिन वो थोड़ा देर के लिए था, फिर नवाब मलिक साहब की बहन सकते आपा आई और कुछ पुलिस वगैरह को बुलाई तो ये मामला वहीं थम गया। फिर भी हमारा काम जारी है और इस वक्त 4 बजने आ रहे हैं तो हमारा यही कहना है और यही चीज़ है कि हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के पूरा जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि नवाब मलिक साहब शिवाजी नगर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा की तरफ से जीतना ही चाहिए। हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी है, जो बहुत से हमारे भाई है जो इसी के ऊपर मेहनत कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से ये विनती है, गुजारिश है कि हमें नया चेहरा लाना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए, बस माहौल बदलना ही चाहिए ताकि आने वाला कल बदले, हमारा, हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर बदलना चाहिए। जी, भाई के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी? अभी तक तो 15 साल से माहौल बहुत ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी आने वाले कल में भुगते। इसलिए हम लोग माहौल बदलना चाहते हैं, नवाब मलिक साहब को जिताना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला नवाब मलिक साहब अगर जीत जाते हैं तो वो माहौल बदल के ही रहेंगे।